नमस्कार, मैं सीए रमेश प्रभु, अध्यक्ष महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर स्वा। आज हम चर्चा करेंगे कि एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में ऑडिटर किस हिसाब से अपॉइंट किया जा सकता है, उसके बाद अपॉइंट करने के बाद क्या क्या प्रक्रिया करना पड़ता है, यदि वो प्रक्रिया नहीं करते तो सोसाइटी के ऊपर क्या नुकसान हो सकता है। तो पहला हम आते हैं सेक्शन 81। ये बताया जाता है कि हर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का जो ऑडिट है, जो 250 के ऊपर है, 200-500 है, जितने भी है, उसका पूरा हाउसिंग सोसाइटी का ऑडिट करने का जिम्मेदारी उसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिया गया। इसके लिए ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए ऑडिटर को अपना पैनल ऑफ ऑडिटर्स, जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जो प्रसिद्ध किया, उसी पैनल ऑफ ऑडिटर से ही आपको अपॉइंट करना है। हालांकि जी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसमें सी कैटेगरी, बी कैटेगरी इस तरह से बताया गया, जो 100 मेंबर्स है उससे नीचे हाउसिंग सोसाइटी है उसको सी कैटेगरी बताया गया, और जो 100 मेंबर के ऊपर का सोसाइटी है उसको बी कैटेगरी बताया गया। तो जिस तरह के उसी तरह से ऑडिटर को भी ए बी कैटेगरी का बताया गया। तो आप ये देख सकते हैं कि जो क्लासिफाइड सोसाइटी है उसी सोसाइटी का ऑडिटर जो है उसी ऑडिटर कर सकते हैं। संक्षिप्त में यही मैं बताऊंगा कि हाउसिंग सोसाइटी जो है अपना ऑडिटर एक पैनल ऑफ ऑडिटर से अपॉइंट कर सकते हैं, और ऑडिटर ज़्यादा ज़्यादा एक ही ऑडिटर 3 साल के ऊपर काम नहीं कर सकता। ये आपको सेक्शन 75 सबसेक्शन 2 ए में बताया गया कि सोसाइटी का ऑडिटर जनरल बॉडी में अपॉइंट किया जाएगा, वो पैनल से अपॉइंट किया जाएगा, और वो ऑडिटर एक ही ऑडिटर ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक काम कर पाएगा, तीसरे साल के बाद काम नहीं कर सकता। उसके बाद सेक्शन 75 ये भी बताया गया कि एक बार ऑडिटर अपॉइंट हो गया तो उस ऑडिटर का कंसेंट लेना चाहिए, और कंसेंट लेके और अपॉइंटमेंट लेटर, ये दोनों अंडर सेक्शन 79(1)(b) के अंतर्गत तो ऑनलाइन में जो आपका सोसाइटी रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के वेबसाइट में, उधर आपको अपलोड करना है। वो अपलोड करने का कालावधि भी दिया है, आपको 30 दिन के अंदर अपलोड करना है। इसका मतलब 30 सितंबर 2019 या 30 सितंबर 2020 जो भी आपका जनरल बॉडी होने का कालावधि है, वो होने का 30 दिन, मतलब 31 अक्टूबर 2019 के अंदर आपको ये अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर को भी आपको अपलोड करना है। यदि मान लीजिए सोसाइटी ने कंसेंट नहीं लिया, ये ऑडिटर अपलोड नहीं किया एज पर सेक्शन 79(1)(b), उसके बाद जो अधिकार है, भले आपने अपॉइंटमेंट भी किया होगा, जनरल बॉडी में अपॉइंट भी किया होगा, फिर भी आपने इन्फॉर्मेशन नहीं किया, वो मैंडेटरी ऑडिटर अपॉइंटमेंट रिटर्न जो है वो अपलोड नहीं किया, तो वो जो अपॉइंट करने का अधिकार है वो रजिस्ट्रार के ऊपर जाता है। फिर डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार जो अपना पैनल में जो भी ऑडिटर है उनको अपॉइंट कर सकता है, इसके लिए ये मैंडेटरी है। और दूसरा जो दिक्कत जो आपको समझना जरूरी है, यदि मान लीजिए आपने ऑडिटर अपॉइंट किया या किया नहीं है, या ऑडिटर मैंडेटरी रिटर्न आपने अपलोड नहीं किया ऑडिटर अपॉइंटमेंट का, ये करने से जो सोसाइटी है उसका जो कमिटी है उसको एक उसके ऊपर एक कार्रवाई हो सकता है, इसको ऑफेंस माना जाता है, और फिर वो कमिटी जो है अगला 5 साल के लिए बर्खास्त हो जाएगा, और जो कमिटी मेंबर है वो भी इलेक्शन में लड़ नहीं पाएंगे। इस तरह से कठोर कार्रवाई इसमें दिया गया, और बहुत सारा जो मैनेजिंग कमिटी मेंबर है वो जिन्होंने ये रिटर्न नहीं भरा है उनको रजिस्ट्रार ने बर्खास्त किया है, और इसमें कोई कंडोनेशन नहीं होता है क्योंकि ये कंपलसरी है, आपको ऑडिटर को अपॉइंट करना है, ऑडिट करके लेना है, और उसका रिटर्न भी आपको अपलोड करना है। यदि इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए आप जरूर हमें संपर्क कर सकता है। हमारा नंबर है महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन 02242551414, 02242551425। धन्यवाद।